भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी अधिकारियों को अनुदेशित कर दिया गया है। ये कहना है नूरपूर्व इंदौरा के निर्वाचन कानून को संजय शर्मा का। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि समस्त प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों पर विराम लग गया है, किसी भी प्रकार की बजट संबंधी घोषणाएं नहीं हो सकती हैं और आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए सभी के साथ बैठक कर उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के सभी चुनाव से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसमें सभी को आदर्श आचार संहिता की पालना करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि कोई भी बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर या जिसमें कोई भी राजनीतिक व्यक्ति का नाम, फोटो या सरकार की उपलब्धियों का व्याख्यान लिखा गया हो, उनको उखाड़ने के निर्देश दे दिए गए थे, जो कि 24 घंटे के अंदर प्राइवेट बिल्डिंग पर 72 घंटे के अंदर होर्डिंग हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस मामले में अगर कोई शिकायत आती है तो टोल फ्री नंबर 1950 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही सहायक रिटर्निंग अधिकारी नूरपुर के कार्यालय में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका नंबर 2221 08 और 2211 08 दो बनाए गए हैं। यदि लोग किसी के संदर्भ में कोई जानकारी चाहते हैं तो इन नंबरों पर बात कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 10 मार्च 2019 को लोकसभा इलेक्शन 2019 की उद्घोषणा की जा चुकी है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का जो है पालन करने के लिए सभी ईआरओ, एआरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेशित कर दिया गया है, जिसमें समस्त प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों पर विराम लग गया है, किसी भी प्रकार के बजट संबंधी घोषणाएं नहीं हो सकती हैं और इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए सभी के साथ मीटिंग करके उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। यहां नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ 7 नंबर इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के सभी नोडल ऑफिसर्स, सेक्टर ऑफिसर्स, फ्लाइंग स्क्वाड, बीएसटी वीडियो सर्विलांस टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम के अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसमें सभी प्रकार की आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि कोई भी बैनर, होर्डिंग